अब घर बैठे इंग्लिश टीजीटी क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए। यूपी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर। तो बिल्कुल मैं लाइव, मैं आ गया आपकी क्लास को लेकर के रोज की तरह 10 बजते ही सुबह के। आप जानते हैं कि इस क्लास में अभी 1000 कंप्लीट होने वाले हैं हमारे ये जो लिटरेचर के एमसीक्यूज। हमारा इरादा इनको 10000 तक ले जाने का है। मैं अनिल बिस्वानी आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि लिटरेचर और लैंग्वेज को इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर दूंगा कि टीजीटी आपके लिए खेल हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति इस बाधा को क्रॉस कर चुका है टीजीटी, आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं सिलेक्टेड हूं और मैं अपॉइंटेड हूं महमूदाबाद में, मित्रा इंटर कॉलेज महमूदाबाद में। और आप जानते हैं इस बात को कि 2016 के एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया था और मुझे पता है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है। इट्स एक्चुअली वेरी इजी। आज मैं कई बातें आपसे करने वाला हूँ, ये छोटी क्लास होगी और कई घोषणाएं मैं करने वाला हूँ। पहली बात यह है कि इसी तरह के एमसीक्यूज 10000 कंप्लीट करने के लिए 20 तारीख को, आज 15 जून है और 20 जून को हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है बिस्वानी क्लासेस का। उसमें आप सारा कोर्स, सारा मटेरियल, एक जितना आपको चाहिए टीजीटी क्वालिफाई करने के लिए, पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए, जीआईसी लेक्चर क्वालिफाई करने के लिए, एसएससी क्वालिफाई करने के लिए, सुपर टेट यूपी टेट के सभी एग्जाम्स, इवन इंक्लूडिंग सीटेट एंड अदर एग्जाम्स के अलग अलग कोर्सेस, पीडीएफ लर्निंग मटेरियल, ये सब कुछ अंग्रेजी विषय का कम से कम अवेलेबल रहेगा। शुरुआत उसकी 20 जून से होगी, ये डेट आप नोट कर लीजिए अपने पास, और उसके बाद ये आगे तक चलता रहेगा और यूं ही ये कारमा अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जितना प्यार और दुलार, सम्मान मान आपने दिया है तो मुझे उस पर खरे उतर कर दिखाना है। कई चीजें इधर बदल रही हैं, कई चीजें सर्कमस्टांसेस बदल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो मैं अनिल बिस्वानी स्वागत करता हूं आप सभी का बिस्वानी क्लासेस में। जुड़िए मेरे साथ और क्रैक करिए उस एग्जाम को, क्योंकि मैं जो रास्ता आपको बता रहा हूं वो कठिन नहीं है, वो नियमित तरीके से हार्डवर्क करके आप उसको अचीव कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो मैं लाइव हूं, मैं कमेंट्स भी आपके देख लूं कि क्या वास्तव में मैं लाइव हूं, ये जो बोल रहा हूं ये आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, 21 लोग आ गए हैं
और आप जानते हैं कितने क्वेश्चंस इसमें हम बेटा कर चुके थे, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन ऑलरेडी, और किस तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सब आप देख रहे हैं कि इसमें केवल 10 क्वेश्चंस रिमेन थे। तो ये क्लास 10 क्वेश्चन की ही होने वाली है, आप समझिए इस बात को। मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन केवल बचे हुए थे। क्यों, हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने बचे हुए थे, कल हम कहां तक पहुंचे थे, 801 भी, अरे वो तो गया मानवीर गुज्जर, 801 तो हो रही है ये। थैंक यू एनिवर्सरी के लिए, थैंक यू। आप बताइए मुझे क्वेश्चंस कितने हो चुके थे इसमें, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना एनिवर्सरी दिखाई दे रही है, ना बर्थडे दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि टारगेट हमारा टीजीटी है, हमारा टारगेट टीजीटी है, ठीक है ना। सबको बहुत हृदय से आभार, थैंक यू। बिल्कुल, एक्चुअली मुझे एक बार याद आ चुका है सुबह से कि विशेष मिलेंगी मुझे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन सब घटनाओं का मुझ पर कोई प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता जीवन में, क्योंकि जब तक आप कुछ सेलिब्रेट करने के काबिल नहीं हो जाते तब तक कोई सेलिब्रेशन नहीं, ठीक है ना। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू मंजूर, अचल, सब्जेक्ट ट्यूशन, सबको गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, ये सब चलता रहेगा, पार्टी मिल जाएगी, शाम को आ जाओ, पानी चौराहे पे मिल जाएगी पार्टी। अब आप हमको ये बताएं कि कितने क्वेश्चंस हम करवा चुके थे इसमें, अगर आप ये नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि केवल 10 क्वेश्चन बचे हुए थे इसमें और हम 90 तक पहुंच चुके थे, ऐसा लगता है आपको, क्यों 90 तक हम लोग पहुंच चुके थे। अरे ये सब आंसर देना शुरू कर देते, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं कितने क्वेश्चंस इसमें करवा चुके थे, या तुम्हारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी 92 क्वेश्चंस करवा दिए थे, 890, हाँ बिल्कुल इतने हो गए थे। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब की बात करें थोड़ा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज टेकन फ्रॉम द पोएम माई हर्ट लीप्स अप, विलियम वर्थवर्थ, एसटी कॉलरिज, पीबी शैली, एसी स्विनबर्न। आपको लगता क्या है कि इसमें कौन सा सही है। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर पड़ता है सर, एक दिन मैडम घर नहीं थी, आपने क्लास नहीं ली थी। ओके, ये सच तो है, खैर तुम्हारी बात ठीक है ना। सारी घटनाओं में मैं चाहता हूँ वो हमेशा जुड़ी रहे मेरी जीवन से, और यही इच्छा है कि मेरे जीवन की एक भी घटना ऐसी ना हो जिसमें वो साथ ना हो, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। हाँ, क्लास तो नहीं ली थी, आपको याद है, मुझे भी याद है। थैंक यू फॉर दिस लव, ठीक है ना। हर एक घटना में जुड़ाव चाहिए, बस और कुछ नहीं, साथ में करना है जो भी करना, अच्छा बुरा, ठीक है ना, जो भी करना है सब साथ में, बस यही एहसास होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो चाइल्ड इज द, ये आप उत्तर दे रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल सही है, और ये मेरे ख्याल से हो गया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऑफ स्टडीज एन एसे इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, फ्रांसिस बेकन, कार्लाइल, मेंटेन, मोंटेन या नन ऑफ दीज। ऑफ स्टडीज किसने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो जिसने इसको लिखा था, और आप फटाफट मुझे बताएंगे, मुझे यकीन है, जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए बेटा, फटाफट जवाब दीजिए। माहट लिप्स अप वर्सवर्थ, यस बेटा, दैट ऑलरेडी हैज कम। आज हम लोग से भी मिली आफ्टर द क्लास, अरे कैसे मिले भाई, और कैसे मिले, अच्छा बात करें आप लोगों से, चलिए ठीक है, मैं क्लास ले लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है, पक्का क्लास ले लेता हूँ फिर, पहले काम, इसके बाद दूसरा काम। ए उत्तर दे रहे हैं फ्रांसिस बेकन, 91 का, और ये बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट, T.S. Eliot was a critic थे, poet थे, या दोनों थे, या none of these? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं हुई आज, मैं सुबह से आपके 20 तारीख को जो वादा किया है उस पर लगा हुआ हूँ,
20 जून को मैंने कुछ वादा किया कुछ बच्चों से, वादे पे खरे उतरना ये बिस्वानी सर की पहचान है। आप समझ लीजिए मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, फिर दोबारा मैंने उस पर पुनर्विचार नहीं करता। तो 20 जून को नोट्स आपको देने हैं, और वो नोट्स इतने बेहतरीन तैयार हो रहे हैं, आपको यू विल नीड नो बुक, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स के साथ कम से कम 4,000 MCQs होंगे आपके, बुक जो जो नोट आपके आ रहे हैं किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4,000 MCQs होंगे उसमें जो मैं तैयार कर रहा हूँ। शेक्सपियर का मैटर होगा, शेक्सपियर को मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया है, मैं मैटर दूंगा ये शेक्सपियर का, वर्ड्सवर्थ का, ये सब नया मैटर है टोटल शेक्सपियर के अलावा, ये सारा मैटर जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, और ये पिछले मेरे 15 वर्षों की खोज और तपस्या का परिणाम है। तो ये जो वर्ड्सवर्थ और गार्ल्सवर्दी, मिल्टन और लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये सारे पोर्शंस, और फिर एंटोनिम सिनोनिम का उसका अलग ही पैकेज, उसका अलग नोट्स रहेगा, टोटल 1500-1500 वर्ड्स कम से कम ऐसे शामिल करूंगा जहां से एग्जामिनेशन बच के नहीं निकलने वाला। तो ये सारा पैकेज आपको ऐप पर आपके उपलब्ध होगा, बिस्वानी क्लासेस के नाम से, जो ऐप 20 जून को हम आपके साथ में यहाँ पर लॉन्च करेंगे। बिस्वानी क्लासेस से कल ऑर्डर मैंने दे दिया है और वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, 20 तारीख को हम यूज करेंगे उसको। बिस्वानी क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद रहेगा, अब आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से आपसे जुड़ने जा रहा हूं, और पूरी कंप्लीट पैकेज टीजीटी का अलग रहेगा, पैकेज पीजीटी का अलग रहेगा, पीडीएफ अलग रहेंगे, हर चीज की कीमत रहेगी आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ रुपयों में आप पीडीएफ पा जाओगे, 10 20 50 समझ रहे हो, 10 20 50 रेट बता रहा हूं मैं, 10 20 50 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगा, 100 200 रुपए में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ये करने जा रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे पैसा नहीं कमाना, 100 200 रुपए में लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको मेरे बच्चों को, जिसमें बहुत सारी चीजें लगभग अब यूट्यूब पर क्लासेस होंगी, छोटी होंगी कम होंगी, मेन क्लासेस हमारी चलेंगी ऐप पर, बात समझ रहे हैं आप, और यहीं पर धमाल मचेगा, और वही ऐप में घुसेंगे और फिर एग्जाम के बाद निकलेंगे हम लोग। हार्ड कॉपी आप 20 रुपए के पीडीएफ ले लो और जाके बाहर मार्केट में अपना हार्ड कॉपी निकलवाओ, और चाहे उसको लकड़ी का बनवाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बात समझ रहे हैं ना, बेस्ट मैं हार्ड कॉपी हम काहे फोटो स्टेट करवाए, फिर आदमी लगवाए फोटो स्टेट करवा के तुम्हारे तक भिजवाए, काहे करें हम, तो खुद करो ना अपना, 20 रुपए में पीडीएफ मिल गया, 200 रुपए में पीडीएफ करवा लो, जाके कॉपी निकलवा लो, बस काम खत्म। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 20 50 रुपए में पीडीएफ अवेलेबल होगा, मेरी जान खाना बंद कर दोगे, सर वो चाहिए, हेमलेट चाहिए, फला चाहिए, धमाक चाहिए, ये सब वहां चलो, 10 रुपया पे करो ले जाओ, 20 रुपया पे करो ले जाओ, काम खत्म, गर्दा मचा दो, एकदम गर्दा मचा दो, कोनो समस्या वाली दिक्कत वाली बातें नहीं। और ये क्लासेस भी लंबी लंबी 2 2 घंटे की क्लासेस चलेंगी, उसमें लगातार लाइव ऐप पर चलेंगी, यहाँ छोटी क्लास होगी जैसे कि आज होने जा रही है, और मैं लगातार अभी फिर जा रहा हूं, जब तक नींद नहीं आ जाएगी काम करते करते, तब तक मैं आपके नोट्स कंप्लीट करूंगा, और 20 तारीख तक मैं उसको बिल्कुल एकदम एररलेस करके पूरा पैकेज बना के आपको दे दूंगा, बात समझ रहे हैं आप। तो टीएस इलियट क्या थे, टीएस इलियट दोनों थे, बोथ पोएट और क्रिटिक थे। आगे बढ़ते, आज ये घोषणा की क्लास भी थी, हाँ बिल्कुल निकलवाओ, अपना ज्यादा काम तो अपने हिस्से रखो, पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू, आप जानते हैं, फटाफट इसका उत्तर दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल सभी का होगा, क्योंकि मैं जान लगा के तुम्हें पीछे लगा हूं, बिल्कुल एकदम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये अक्टूबर के पहले आपको इतना तैयार कर देना है कि मुझे भी डर लगने लगे कि यार ये तो मेरे से ज्यादा सीख गया, समझ रहे हो, मुझे इतना डर चाहिए अपने अंदर, मुझे ये डर लगने लगे कि बच्चा हमारा ये ना पूछ ले हमसे, ये डर मेरे अंदर पैदा कर दो तुम लोग, इतना तैयार कर लो अपने आप को, मेरा सब निकाल के खा जाओ जितना, और तुम जानते हो मैं दिल खोल के रख देता हूँ पढ़ाते समय, कुछ भी छुपा के रखने का कोई मतलब नहीं, या लिमिट में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे छोटा पीरियड कौन था, आप लोगों से बात करूंगा मैं अभी ये क्वेश्चंस करवाने के बाद, बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल, हमारे पीछे लगोगे तो हम उसको पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करेंगे। राशि मैम गुड मॉर्निंग, सीमा गुड मॉर्निंग, सौरभ भैया गुड मॉर्निंग, प्रियंका गौतम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। केक कैसे कटेगा यार, केक वो हमको याद ही नहीं था सुबह से, आज है क्या? मैडम आई हमको शहद और ग्रीन टी देकर के चली गई, और इसके बाद जो है मैं फिर जुटा रहा उसी में, अपना लगी हुई है काम में। हम दोनों ने एक दूसरे को विश नहीं किया, ये सब औपचारिकताएं नहीं हो पाती हमसे, बात ठीक से? हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को विश नहीं किया, ठीक है ना। विच इज शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये रेस्टोरेशन पीरियड है, बिल्कुल सी, ये बिल्कुल रेस्टोरेशन पीरियड है। और हम जानते हो, आप जानते हैं कि जो खास चीजें होती हैं उनका मैं रिव्यू, ताकि वो दिमाग में बना रहे, मैं जरूर देता हूँ क्वेश्चन के पीछे लगाकर। द रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रफली लास्ट 1660 टू 1688। इट बिगिंस विद चार्ल्स सेकंड रिटर्निंग टू द थ्रोन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वेरियस रिपब्लिकेशन गवर्नमेंट्स दैट रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1649 टू 1659 आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट वॉज एग्जीक्यूटेड। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ में मिलती रहेगी। नहीं मैडम गुस्सा उस्सा नहीं होती, मैडम बिल्कुल वैसी सोच की है जैसी मैं हूं, मैडम डजंट केयर एनीथिंग, ठीक है ना। हम साथ हैं और विशिंग का कोई मतलब नहीं, इतना बहुत है, बहुत है, ये बहुत है, हम साथ हैं इतना बहुत है। द नेशनल एपिक ऑफ ईरान शाहनामा वॉज रिटन, क्योंकि हम बहुत अलग अलग रहे हैं, कभी मैं इलाहाबाद, वो दिल्ली में, वो बीकानेर में, सर थे बच्चे तो मैं घूमते रहता था पूरे इंडिया में, दिल्ली, कभी इंदौर, कभी इलाहाबाद, कभी मध्य प्रदेश का कोई शहर, कहीं क्लास एक महीने की, 15 दिन की, एक महीने की, बीकानेर में कई जगह, जयपुर में कहीं, सीकर में, कहीं भी मुझे रुकना पड़ता था महीनों तक, तो ये सब चलता रहा है। अब जाके हम सेट हुए हैं, साथ हैं बस, अब साथ है, ठीक है ना। तो नेशनल एपिक जो ईरान की है शाहनामा, उसे फिरदौसी ने लिखा था, ये पता है आपको, बिल्कुल लिटरेचर से क्वेश्चन ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज खास ही है क्लास हमारी, ये आज क्वेश्चंस कम बातें ज्यादा हो रही है। थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बिल्कुल फिरदौसी थे मैम। नेक्स्ट है टेल ऑफ टू सिटीज, इसे आप जानते हो, थॉमस आर डी की मास्टरपीस, बहुत बढ़िया रचना है ये, या चार्ल्स डिकेंस की है, क्यों? ये चार्ल्स डिकेंस की है, थॉमस आर डी की है, ए बिल्कुल, ये चार्ल्स डिकेंस की है, ये मास्टरपीस कहते हैं हम इसको, ये बहुत बेहतरीन इन्होंने लिखा है, टेल्स ऑफ द टू सिटीज। नेक्स्ट, हु रोट ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, यस बिल्कुल, आपको अब तक ये रट चुके हैं, 1000 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं उनसे कुछ मिला आपको, आपको लगता है कि हल्का फुल्का अगर पेपर आ गया तो उसको ऐसे रौंद दोगे आप, मुझे लगता है अगर 16 की तरह आया तब, अरे 16 वाले पेपर को आपने उड़ा दिया था यार, ये 3 महीने बाद अभी मैं करवाया हूं पिछला, मैं शाम को जो 4 बजे करवा रहा था, आपने उड़ा दिया, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको फंसे, बाकी खेल मचा दिया आप, बिल्कुल धमाल मचा दिए, क्योंकि जो मैं क्रॉस करके आया हूं वो सब मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, ये किड्स, अब देखिए ये फंसने वाले हैं ही नहीं, बिल्कुल ये कहीं नहीं फंसेंगे आपके क्वेश्चंस। हु इज द राइटर ऑफ पोएम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आप इसको खेल में उड़ा दोगे, आपको पता है क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ाया आपको, हिस्ट्री पढ़ाया, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई, तो ये कौन है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है, बिल्कुल ये रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट, इनमें से अलग कौन है, क्या इलियाड एक नॉवेल है, क्या टेम्पेस्ट एक कॉमेडी है, क्या टेम्पल एक पोएम है, या डंसियाड एक पोएम है, बिल्कुल आप सब जानते हो, ये सारे जानते हो, बहुत कुछ मिला बिल्कुल, और अभी जो आने वाले हैं 10,000 का मतलब आप समझते हो बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि एक भी कम न रह जाए। ये तीनों सही है, ये अलग है, ये महाकाव्य होमर के द्वारा लिखा हुआ, आप जानते हैं द इलियाड समटाइम्स रिफर टू एज सॉन्ग ऑफ इलियन और सॉन्ग ऑफ इलियम, सॉन्ग ऑफ इलियन या सॉन्ग ऑफ इलियम के नाम से ये जाना जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से,
इलियाड के संबंध में, इज एन एंशियंट ग्रीक एपिक पोएम है जो डक्टेलिक हेक्सामीटर में लिखी हुई है, ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू होमर। बात समझ रहे हैं, क्लियर है सब कुछ। यूजली कंसिडर्ड टू हैव बीन रिटन डाउन, सिरका का मतलब लगभग होता है, ये वर्ड आपकी मीनिंग पूछा जा सकता है, का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लगभग, इसका मतलब क्या होता है, लगभग होता है। दैट 8th century BC बिफोर क्राइस्ट द इलियड इज अमंग द ओल्डेस्ट एक्सटेंट वर्क ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर अलॉन्ग विद द ओडिसी, ये उसके समकालीन रखा जाता है, समकक्ष रखा जाता है। ओडिसी अनदर एपिक पोएम अट्रिब्यूटेड टू होमर व्हिच टेल्स ओडिसीज एक्सपीरियंसेस आफ्टर इवेंट ऑफ इलियड, इलियड के इवेंट के बाद उसके एक्सपीरियंस क्या थे, इनका वर्णन होता है किसमें, ओडिसी में जो उसके बाद आया। बहुत बढ़िया, सब छाप लेना, ये सब छपा छपाया मिल जाए तो कैसी बात है ना, इसका पीडीएफ तैयार करवा रहे हैं, तो जो पीडीएफ में क्वेश्चंस हम डालेंगे उसमें हम चाह रहे हैं कि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन उनके पीछे होना चाहिए, मैं बिल्कुल अलग प्रकार की, जो क्वेश्चन जहां पे है वही क्लियर हो जाए बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल अभी सब क्लियर। हेक्सामीटर और जितने मीटर हैं, सेप्टामीटर, ऑक्टेमीटर, ये सब बताऊंगा, अभी कुछ नहीं, ये छोटी सी क्लास है, पर्पज्ड है, और कुछ खास बातें आपसे करनी है, इसलिए ये क्लास 10-12 क्वेश्चंस की है केवल, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बेटा, आप टेंशन की बात नहीं, अभी मैं आगे सेगमेंट में इसी पर बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। हु इज द यंगेस्ट लिटरेचर लॉरेट टू विन नोबेल प्राइज, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी। लाइक भैया कर दो थोड़ा सा बाबू, महजबी मैम बहुत गुस्सा हो रही है, और किसी महिला को गुस्सा करना बिल्कुल जायज बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटा, नहीं, क्वेश्चन लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो ना लिखो, ये सब आपको पीडीएफ मिलने वाला है, सब पीडीएफ लिखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, फायदा ये होगा कि आप उसको लिखोगे एक बार फिर मेमोराइज करोगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और अब समय है आपसे मेरा बात करने का, तो जिसको टाइम ना हो थोड़ा सा मुझसे बात करना चाहता हो तो करे, और अगर टाइम ना हो किसी इंपॉर्टेंट काम को ले जाना हो तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई बॉन्डेज नहीं है, ठीक है ना बेटा। मैं समझता हूं हर चीज को, बहुत चाहता हूं आप भी समझदार ही बने, ठीक है ना। तो ये रुडियार्ड किपलिंग है, इसके बारे में ढेर सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, क्यों मंजूर, बिल्कुल। अब मैं बात करूंगा आपके साथ कुछ अपने चैनल को लेकर के, और उसके बारे में आगे की प्लान्स के लेके बारे में। अब जो ऐप हमारा आ रहा है बिस्वानी क्लासेस के नाम से होगा, बिस्वानी क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। अब इसमें सेगमेंट्स क्या होंगे, इसके फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहली चीज होगी इसमें लाइव क्लासेस होगी, और ये लाइव क्लासेस अभी पर्पज्ड है दो चीजों के लिए, एक तो टीजीटी के लिए लाइव क्लास चलेगी, और दूसरी पीजीटी के लिए लाइव क्लास चलेगी, जिसमें अभी मैं शुरुआत में क्या करूंगा, जो कोर्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं उसके आगे पढ़ाऊंगा, बात समझिएगा भाई, अभी टीजीटी का जो भी सेक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, शेक्सपियर पढ़ाया केवल, और लिटरेचर आप हिंदी आप इंग्लिश आप लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, ये पढ़ाया, और थोड़ी सी आपको जो पढ़ाया है उसको दोहराएंगे बाद। तो टीजीटी में मैं कोर्स बचे हुए को शुरू करूंगा, वर्ड्सवर्थ वगैरह, और ये जो जॉन जॉन जो भी जॉन गर्ल्सवर्थ वगैरह, और इसमें जो बाकी बचे हुए है वो शुरू करूंगा लिटरेचर का, और ग्रामर की कंबाइंड क्लास चलेगी, ग्रामर की क्लास एक अलग सेक्शन बना होगा, उसमें ग्रामर होगी, और वो ग्रामर आपके टीजीटी और पीजीटी जीआईसी लेक्चरर और जितने भी एसएससी वगैरह सारे सबके लिए वो होगी, बस समझ, ग्रामर तो सब एक ही होती है, आप समझ रहे। तो ये लाइव क्लास का अभी 3 घंटे का सेगमेंट बिल्कुल चालू हो जाएगा 20 तारीख के तुरंत बाद से, 1-1 घंटे का, बात समझ रहे। अब दूसरे नंबर पर क्या रहेगा, दूसरे नंबर पर क्विज को ले रहा हूं मैं, क्विज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाएगी, क्विज जो है आपको एग्जाम दिलाएगी, बस समझ रहे, क्विज आपका एग्जामिनेशन क्रॉस कराएगी 20 तारीख से, ठीक है ना। तो क्विज में क्या होगा, उसमें 125 क्वेश्चन जो बिल्कुल सेलेक्टेड होंगे, 125 क्वेश्चन के 30 सेट मैं अभी प्लान कर रहा हूँ शुरुआत में, पहले 10 सेट आएंगे, फिर 10 सेट आएंगे, फिर 10 सेट आएंगे, आपको उनकी कीमत देनी होगी, आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको उसकी कीमत देनी होगी। लेकिन वो बच्चे जिनकी कीमत एक बार मैं ले चुका हूं, याद है ना, 1000 रुपीज मैंने लिया था बच्चों से, वो बच्चे कीमत नहीं देंगे,
और बाकी के बच्चे कीमत से जाएंगे उसमें, तो कीमत क्या रहेगी इनकी प्रैक्टिस की? मैंने कहा 10 रुपए से 100 रुपए के बीच 30 सेट की, बात समझ रहे हैं आप? हाँ, गिफ्ट ये आपके लिए गिफ्ट ही है, ये गिफ्ट ही है। 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में कीमत रहेगी उन 30 सेटों की, बात समझ रहे हैं? जिनमें जो बच्चे दे चुके हैं पैसा उनको बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, उनका रिकॉर्ड मेरे पास है, ठीक है ना, समझ गए बात को। और ये लाइव क्लासेस भी कीमत से मिलेंगी, इनकी कीमत 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में होगी, 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में इनकी कीमत होगी लाइव क्लासेस, बात समझ रहे हैं? दूसरों का क्या होगा हमसे कोई मतलब नहीं, कत्लेआम मचा दो आपकी, बिल्कुल कत्लेआम। ये मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि हमारे ऐप का खर्चा और जो मैं बंदे लगाऊंगा उनका खर्चा निकल जाए, दैट्स इट। मुझे कोई कमाई नहीं, मैं बहुत पैसा कमाता हूं, आप सब जानते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं और इसलिए मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, वहां से मुझे ढेर सारी ढेरों रुपया मिलता, आप जानते हो कितना पैसा मुझे मिलता, लगभग तो अंदाजा है ही है आपको कम से कम। तो मुझे पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या में जिंदगी नहीं है, बस मुझे नाम चाहिए और आपका काम चाहिए, और इस काम में जो खर्चा होगा वो मैं ले लूंगा, मेहनत मेरी मजदूरी मुझे देने की कोशिश मत करिएगा, वो आप दे नहीं पाओगे क्योंकि ये करना मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है। अब आ जाइए दूसरे नंबर पर, पीडीएफ की बात करते हैं। तो जब पीडीएफ मटेरियल हमारा होगा वो किस तरह से डिवाइडेड होगा? पीडीएफ जो हमारा पीडीएफ अवेलेबल होगा उस पर उसकी कीमत 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में होगी पीडीएफ की। और उसके सेक्शंस कैसे होंगे? एक सेक्शन होगा वोकैब का, एक सेक्शन होगा लिटरेचर का, और एक होगा लैंग्वेज का, ठीक है ना? तो ये इसका पूरा पैकेज होगा, इसका पूरा पैकेज होगा, और इसका पूरा पैकेज होगा। हालांकि जिसको लिटरेचर लेना है वो लिटरेचर केवल लेगा, वो कैब नहीं लेगा, वो कैब कहीं से पढ़ रहा हो तो पढ़ता रहे, अपना कोई टेंशन नहीं है। लैंग्वेज जिसको ग्रामर मेरी पढ़नी है, तो जैसे मेरी क्लास लिया उसने लैंग्वेज की, तो उसके साथ पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में जो आप नोट कर रहे हो वो आपके हैंड नोट नोट हो गए, कोई समस्या नहीं। तो इसकी भी आपको कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में, वो 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, जैसा उसकी औकात होगी पीडीएफ की, उस तरह से ये बिल्कुल कीमत के आधार पर आपको मिलेगा, ताकि उसका खर्चा ऐप को रन करने का जो मंथली खर्चा मेरा आता है जो बंदे का है वो निकलता रहे, काम खत्म हो जाएगा मेरा, ठीक है ना? तो ये इतना अभी 20 तारीख से मैं पर्पज दू, 20 जून से मैं ये घोषणा कर रहा हूँ आज की 20 जून को हम लोग लॉन्च करेंगे उसको। ईश्वर साथ देता है हमेशा जो अच्छे काम के लिए आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, किसी भी प्रकार की आपने किताब एक ली थी, आपको याद होगा क्या नाम है उसका, मेरे पास भी है, यूथ पब्लिकेशन की, बिल्कुल आप उसको संभाल के रखिए, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, वनलाइनर्स हैं, उसको ढेर सारा मटेरियल है, उसको खोइएगा मत, उसको रखे रहिएगा बिल्कुल। और दूसरी किताबों की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बार बार मैसेज करते हैं सर कौन सी किताब चाहिए, ये मेरा तैयार किया हुआ, मैं जिस पर शोध करके तैयार किया हूं ये मेरा मटेरियल है। तो ये मिलेगा कहाँ, ये 20 तारीख के बाद अवेलेबल रहेगा। अभी छोटी छोटी क्लासेस हमारे चैनल पर यहाँ आएंगी, शाम को जो अनअकैडमी की क्लासेस है अनइंटरप्टेड चलती रहेंगी, उन पर कोई किसी प्रकार का कोई, वो प्रैक्टिस जैसी चल रही है शानदार तरीके से, जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ते रहेंगे ऐप पर और अनअकैडमी पर, कोई समस्या नहीं। ये अपना विश्वानी क्लासेस का प्रसार हो रहा है, ये वृद्धि हो रही है, तो इसमें आप जो योगदान है वो करते रहे, बस इतना मुझे कहना था। अब आप बताइए कि आपको क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या प्रश्न पूछना है। मैंने अपना सब कुछ बता दिया जो भी काम मैं, और जानते हो मैं सिंपली बोलता हूँ, मेरे पास कोई बनावटी शब्द नहीं है, जो मेरे मन में होता है और जो मुझे करना होता है मैं वही करता हूँ, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे किसी से सलाह नहीं लेनी होती है, मैं खुद से ही सलाह लेता हूँ और जो उचित लगता है वो करता हूँ। अब आपका प्रश्न क्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 21 जून 2021 को लॉन्च कर देते हैं, हाँ ठीक है 21 को लॉन्च कर देते हैं, ठीक है 21 तारीख तय रहा। कितने पेज होंगे? अरे टीजीटी में कम से कम हमको लग रहा है 600 पेज तो जरूर है, जिसमें 300 पेज अंदाजा है मेरा, अभी कंपोज हो रहे हैं, 300 पेज केवल एमसीक्यूज होंगे, आप समझ पाए मेरा इरादा, 300 पेज केवल एमसीक्यूज,
उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो और कहीं होगा और उसमें नहीं होगा। 300 एमसीक्यूज होंगे और 300 पेज में आपके राइटर्स और मेन कोर्स का मटेरियल होगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, पे करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको मैंने बता दिया ना 10 से 100 रुपए के बीच पीडीएफ का कीमत रहेगी और 100 से 500 700 के बीच में लाइव क्लासेस की कीमत रहेगी। मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे उससे खर्चा निकालना। कंप्लीट कोर्स आपको 500-700 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कोर्स 1000 तक जाएगा, इससे अधिक नहीं लूंगा मैं लाइव का। 1000 से ज्यादा किसी कोर्स की कीमत ही नहीं रहेगी, उससे केवल खर्चा निकालना। योगा डे भी उसी दिन है बाबा रामदेव का, और उसी दिन जो है कि पिक लगा ही दीजिए। अच्छा, पीडीएफ में पिक लगा दे, काहे बाबा रामदेव का बिस्वानी सर की काहे ना लगा दे। हम भी तो योगा करवाते हैं, सुबह शाम तक तैयारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे नौकरी मिलेगी। वही ऐप पे रहेगा बेटा, पे वे सब ऐप पे रहेगा। अभी टेंशन ना लो, अभी जबरदस्त जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, जो जो मटेरियल है। हाँ, 600 पेज में लगभग फुल कोर्स होगा। आप दोनों दर्शन दें। अरे मैडम जी, काली हो, जरा आने वाले मूड में हो। बच्चे यार 2 मिनट के लिए आज बहुत जिद कर रहे हैं। बाल वाल धुल के जूड़ा उड़ा बना के किनारे साइड में खड़ी है अभी, तो अब कहो तो भाई बुला ले उनको। ऐसे ना, क्या बताएं, जिद करोगे तो बुलाना पड़ेगा, नहीं शाम को आ जाते हैं थोड़ी देर लाइव। माँ परेशान का है वो। अरे मिलना चाहो भाई, 2 मिनट मिल लो यार, नमस्ते करके चली जाना, और क्या हम बताएं। आप मैम आ गई हमारे पीछे, आप पीछे रहना हमारे, तब दिखाई पड़ोगे। ठीक है, मैडम का नाम, नाम मैडम तुम्हारा क्या है? मैडम का नाम नीतू सिंह है, नीतू सिंह। अच्छा, आप नई हैं चैनल पर। कंप्लीट कोर्स कितने में मिलेगा, कितने में? आप नंबर हमारा रख लीजिए मैम, ये जो यहाँ पर लिखा है 7023030918918, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, सारी जानकारी इस पर मिलेगी, आप मैसेज कर दीजिएगा। तो मिलवा तो दिए, और क्या चाहिए? अच्छा, ज्यादा प्रिंट में लगेगा पैसा, तो अब यार क्या बताएं हम भैया, थोड़ा सा पैसा तो लगाने पड़ेगा प्रिंट में है? या तो उसको लैपटॉप पे ऐसे ही पढ़ो, नोट करो थोड़ा सा, है ना। आई थी क्या मैम? हमको नहीं दिखाई पड़ी यहां। वो आई, इधर खड़ी थी, आप लोग देख नहीं पाए हमको लग रहा। अरे मैडम हो, बच्चे देख ही नहीं पाए आपको। आप जब हमारे ठीक पीछे आओगे तब देख पाएंगे बच्चे, ठीक पीछे खड़े हो, यहाँ पे पीछे ही रहना बिल्कुल। अरे भैया, इस पे दिखाई नहीं पड़ रहा हमको लग रहा, हमारे भाई नहीं रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया, मैडम जी आ गए, नमस्ते, ले लो सब लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ बिल्कुल, अभी इसमें जो ये आपका तीसरा सेगमेंट तो मैं बताया ही नहीं, तीसरा सेगमेंट तो मैंने बताया नहीं, तीसरा सेगमेंट जो उसका थर्ड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट में एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज होगी हमारी, जो 30 सेट का बताया तो है हमने, टेस्ट सीरीज जो हमारी होगी जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सारा कोर्स टीजीटी और टीजीटी का अलग होंगे, एमसीक्यूज और पीजीटी के अलग होंगे, उसमें पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी शामिल करूंगा मैं। तो टेस्ट सीरीज जो चलेगी वो बिल्कुल जैसे आप जैसे मॉक टेस्ट देते हो, ऐप पे देना है भाई आपको, आपको ऐप पे देना है बेटा। सुंदर लग नहीं, बहुत सुंदर है भाई, और का यह धड़का लग गया था देख के हमको, और वो धड़का आज तक उठने नहीं दिया हमको। हाँ ठीक है ना, हाँ चलिए, बहुत अच्छा है, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए।
और आपकी भी वेडिंग एनिवर्सरी जल्दी आए और हमको बताइएगा जरूर, ठीक है। तो ये सारे कहानी हो गई, अब बिस्वानी क्लासेस 21 तारीख को होगा, तभी मुलाकात हमारी ठीक से प्रॉपरली होगी। अभी क्लास रोज, जब तक कॉलेज, मैं कॉलेज जाना शुरू हो जाएगा कल से, आज भी नहीं गया मैं क्योंकि सर ने कहा कि कल से आना है, तो बुधवार से, अभी आजकल आजकल टल रहा है, पर रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। क्लासेस में जो बच्चे प्रमोट किए गए हैं उनको मुझे एक रजिस्टर मिलेगा, शायद 9th का या 8th का, 7th का, आपको भी यही सब करना पड़ेगा, क्लास रजिस्टर मिलेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कागजी कार्रवाई पूरी फुल करनी पड़ेगी, ये सारा काम मुझे करना है। और इसको इसको कल से शायद शुरू हो रहा है, तो शाम को क्लास रहा करेगी 4 से 10 के बीच में, थोड़ा समय तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है कि सुबह जब क्लास नहीं हो पाएगी तो हमारी क्लासेस भी जो 2 घंटे चलेंगी वो भी रात में चलेंगी, और बिस्वानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस चलेंगी वो भी, और जो ऐप पर चलेंगी वो भी, वो 7 से 10 के बीच में शाम को होगी, 4 से 7 के बीच में मैं अनअकैडमी पर रहूंगा। तो ये 7 से 10 3 घंटे, और 4 से 7 3 घंटे, ये लगभग 6 घंटे की क्लासेस कंटिन्यूअसली होंगी, 40 40 मिनट की, उसी में रेस्ट कर करके मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट जॉब में होना एक अच्छी बात है, और मैं उसको छोड़ नहीं सकता आपकी वजह से कि सुबह क्लास लेना जरूरी है, उसी के लिए तो इतना मेहनत किया था मैं, ठीक है ना। और अब आपसे आसानी से मेहनत करवाना, देखिए ना, आप जब अनुभवी टीचर से जुड़ते हो तो आपको बहुत सारा भटकना नहीं पड़ता, आपको ठीक वही चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यही करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू कविता यादव मैम। हाँ बिल्कुल, ऐप लैपटॉप में शायद होगा या नहीं होगा, मैं उसे अब बात करूंगा, अभी बहुत सारी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जो भी बताया मैंने पेमेंट उसको कर दिया है, और वो कल या परसों तक आ जाएगा, तो उसको चलाना सीखूंगा मैं, कैसे मैनेज किया जाता है, और फिर सारी चीजें मैं उसमें डालूंगा, है ना। ठीक है, तो ठीक है, अब बहुत अच्छा समय है, और 900 क्वेश्चंस आपको मैं करवा चुका हूँ, 900, ठीक है ना, ये 900 की क्लासेस भी उसमें रहेंगी उपलब्ध, ये 900 क्लासेस भी उसमें उपलब्ध रहेंगी, और इसके अलावा ताकि YouTube पे बिखर जाती इधर से उधर, तो वहां भी इनको मैं डलवा दूंगा, और सीधे लिंक्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इधर से उधर, ठीक है ना। और पिछली क्लासेस जो हुई है वो भी उसमें मौजूद रहेंगे, आपको पता है अनिल बिस्वानी क्लासेस के नाम से हमारा एक चैनल है, अभी बीच बीच में उसके वीडियोज आ जाते हैं, तो उस पर भी काम नहीं हो रहा है, तो उसको मैं किसी और तरीके से यूज करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास प्लान्स बहुत हैं, काम करने वाले हाथों की कमी है, तो मैं उसी हिसाब से काम करूंगा जैसे मैनेज हो जाए सबको ठीक से। तो अब मैं चलूँ, इजाजत दें, काम करूँ मैं बैठ के, आपके लिए नोट्स कंप्लीट करने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे शाम को 4 बजे अनअकैडमी के टीचिंग ज्ञान चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आज बहुत सारी बातें हम लोगों ने की हैं, प्लान्स अपने डिस्कस किए हैं, आपको मैं कैसे तैयारी की तरफ लेके जा रहा हूँ मैंने ये डिस्कस किया है, ये मटेरियल सब आपको मिलेगा, इसका पैसा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि पैसा जरूरत होती है हर किसी के, लेकिन उतना देना पड़ेगा जितनी जरूरत है, मुझे कमाई करने का कोई इरादा नहीं, आगे मैं कमाई करूंगा लेकिन आपसे नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कमाई में तब कर लूंगा, ठीक है ना, बाद में बड़ा आदमी बन लूंगा, अभी जरूरत नहीं है, अभी पर्याप्त पैसा मेरे पास है, और बस आपका प्यार और सहयोग बना रहे, बस यही इरादा और यही आशा और आकांक्षा है, ठीक है ना। तो थैंक यू ध्यान दें कि बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, सब्सक्राइब आप लोगों में से कितने लोगों ने नहीं कर रखा है ये देख लीजिए, उसमें अगर सब्सक्राइब नहीं है तो वहीं से सारी जानकारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर ऐप की जानकारियां भी वहीं से मिलेंगी आपको, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कई लोगों ने, 10% लोगों ने केवल बेल आइकन दबाया है, मैंने कल जांच करवाया था, तो बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करिए, ऑल को सेलेक्ट करिए, ऑल, ठीक है ना, बेल आइकन में जब जाएंगे दबाएंगे तो ऑल आएगा, ऑल को बिस्वानी क्लासेस में मैं अनिल बिस्वानी स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। जितनी प्रॉब्लम्स आपको ऐप के चलाने में आ रही है और टेंशन मुझे दे रहे हैं, उन टेंशन को रिलीव करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा, आपको समझना है कि कैसे ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लॉग इन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, जब भी आप ये सब बैचेज हैं जो चल रहे हैं, सबसे पहले ये आपका होम स्क्रीन है, इसके बाद आप आएंगे तो इंस्टॉल करेंगे ए बिस्वानी क्लासेस, यहाँ पर देखिए लिखा है ए बिस्वानी क्लासेस, आपको बिस्वानी क्लासेस नाम से 2 ऐप और मिलेंगे, उनको बिल्कुल टच नहीं करना है, ए बिस्वानी क्लासेस जिसमें लिखा हो लाइव लर्न, 5 रेटिंग्स दी है, आप रेटिंग भी उनको देंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आएंगे तो आपका इंटरफेस जो खुल कर आएगा वो होगा रजिस्टर और लॉग इन का, तो आप जब सबसे पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बार जब आएंगे तो यहां पर आप रजिस्टर करेंगे,
सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, रजिस्टर करेंगे अपने आप को। कहीं भी जानते हैं तो आप रजिस्ट्री करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होता है आपका, तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। और जब दूसरी बार आएंगे तब लॉग इन करेंगे, फर्स्ट टाइम में रजिस्टर करेंगे और दूसरी बार में लॉग इन करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, जो मेल आईडी और फोन नंबर और जो जो, जो इन, वो बनाओगे आप, इसमें आप रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी वगैरह लगाओगे, कैसे लगाओगे ये है देखो। यहां पर आपको अपना नाम डालना है, यूजर नेम आपका जो भी होगा, जो नाम है आपका, यहाँ पे फोन नंबर आएगा आपका, ये ईमेल एड्रेस आएगा आपका, अब फिर यूजर नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, जो आपको ऐप में शो होगा, आप वही नाम रख सकते हैं जो आपका नाम है, और यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। ये रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तब की बात बता रहे हैं, यहाँ पासवर्ड डालोगे आप, और वो पासवर्ड आपका नेक्स्ट टाइम जब आओगे लॉग इन करने के लिए तब काम आएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, ये रजिस्टर करने का है ना, स्टेट, हाँ ये इसके नीचे है, यहां तक आ गए तो इसके नीचे ये स्टेट है, फिर स्टेट आप अपने यहां से चुनोगे कौन सी स्टेट में आप रहते हो, चुनोगे तो उत्तर प्रदेश चुनना है, फिर एग्री करोगे यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस से, और फिर अपने आप को रजिस्टर कर दोगे। जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप ईमेल आईडी आपकी, पासवर्ड आपका जो आपने बनाया था यहां पर, जो भी पासवर्ड बनाया था आपने, ये वाला पासवर्ड ये आप अपने पास लिख लीजिए, हाँ फोन, हाँ चाहे यहाँ फोन नंबर डालो और चाहे ईमेल आईडी डालो, कुछ भी डाल करके पासवर्ड डालोगे, और आपका उसे पासवर्ड आप रिसेट भी कर सकते हो यहाँ से, और फिर लॉग इन कर दोगे आप। और फिर आप जब पहुंचोगे आगे, तो आगे आपको कुछ इस तरह के इंटरफेसेस में, सबसे पहला इंटरफेस आपको मिलेगा यहाँ, जिसमें मैं मिलूंगा, और आपको ये मतलब की चीज है, अगर आप पेड बच्चे हैं हमारे, तो आपने पेड बैच हमारा ले रखा है, तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये खुलकर आ जाएगा। ये खुलकर तो तब भी आएगा जब आप पेड नहीं हो, लेकिन आगे आपको कोर्स यहाँ व्यू के बजाय आपको दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, दिखेगा बाई कोर्स, यहाँ पे दिखेगा बाई कोर्स, बाई लिखा होगा, यहाँ भी बाई लिखा होगा, पीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड कॉम्बो बैच है ये, न्यू बैच, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यू इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पेड बच्चा है, ठीक है ना, विकास का है ये, हेलो विकास कुमार, तो विकास की आईडी है तो ये पेड है, इसलिए यहाँ पर व्यू दिखा रहा है आपको, ये बाई दिखाएगा अगर आप पेड नहीं है तो। फ्री कोर्स आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप फ्री कोर्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं डाला है, पेड कोर्स में ही आपका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अंदर ही है सब कुछ, बाहर कुछ भी वहां फ्री नहीं है, यानी सब आपके लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। फिर आप यहाँ कैटेगरी में आओगे, टीचिंग एग्जाम्स पे चेक करोगे, क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम में हो, इसी कैटेगरी के अंतर्गत ये कोर्सेस है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब आओगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा, जब आप इसको व्यू पे जाओगे आरपीएससी में, या आरपीएससी अभी नहीं चल रहा है, इसके कोर्स अभी नहीं चल रहा है, ये जो एलटीटीजीटी पीजीटी का है, इसको आप जब क्लिक करोगे तो ये खुल करके आ जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी उसमें, रिकॉर्डेड होंगी, ये रिकॉर्डेड वही है जो लाइव ही थी, लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड हो जाती है जब 2 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बाद लाइव वाली क्लास रिकॉर्डेड में दिखाई देने लगती है, तो शेड्यूल आपका है वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। देखो क्लास लगी है लेक्चर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर विलियम जे लॉन्ग, ये लगा है यहाँ पे, देखो लिटरेचर 12 हैमलेट ग्रेट ट्रेजेडीज, ये लगे, तो ये लाइव क्लासेस के शेड्यूल जो यूट्यूब पे चलने वाले हैं वो यहाँ मिलेंगे, और आपके जो ऐप पे चलने वाले वो भी यहीं पर मिलेंगे सारी क्लासेस, ये दोनों क्लासेस ऐप पर लगी हुई है और ये ऐप पर चले। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे आप, तो जब आप पेड कोर्स में आ गए तो ये इंटरफेस आपको मिलेगा, है ना, और इसमें जब आओगे तो आप इंग्लिश को क्लिक करोगे, इंग्लिश को जैसे क्लिक करोगे तो तुरंत इंग्लिश के सारे चैप्टर्स, ये देखो सारे, ये दोनों नीचे तक है, ये है ना, टेंस है, नॉर्मल लेविस है, वोकैबुलरी लिटरेरी टर्म्स है, प्रपोजिशंस है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज है, और डिटरमिनर एडजेक्टिव जो कि अभी चैप्टर चल रहा है, देखो फंडामेंटल्स है ना, ये पीडीएफ यहां पे सारा पीडीएफ है, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो सारा पीडीएफ यहाँ पर पड़ा हुआ है, और आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया, उसमें डाले गए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते कोई भी चीज, ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर जिसमें शेक्सपियर चल रहा है इस समय, और टीजीटी लिटरेरी थियरी, इसमें भी वीडियोज है, तो सब ये आपको देखना है।
हो गया, समझ गए आप। और अब मैं थैंक यू बोलूंगा आपको, अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वही नंबर घुमाना है 7023030918। 3999 रुपए फी है और ये सभी कोर्सेज की फी अप टू सिलेक्शन। डाउनलोड द ऐप बिस्वानी क्लासेस, ए बिस्वानी क्लासेस, एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट एंजॉयिंग एंड लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।